में क्या करें, वहाँ तो कुछ करने को होना चाहिए, और बाहर भी क्या करें, वहाँ भी कुछ तो करने को होना चाहिए, और साथ में अगर लड़की हो तो भी तो कुछ। तो बस मन किया तो ये सब, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं इसमें इतना दिमाग नहीं लड़ा था। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि 5 लोगों की कमिटी बनाए फिर ये सोचें कि जाके लाल किले की दीवारों पे लिखना है और वहां से लिख के आए। दीवारों पे इतने नाम देखा और पास में कुछ भी मिला, चौक है, ईंट का टुकड़ा है, बस उठाया और लिख दिया। यहाँ बहुत लड़कियाँ आती हैं, मैं उनके लिए हार्ट्स बनाता हूँ। हाँ, वो अक्सर लड़कों के साथ आती हैं, तो क्या हुआ, आखिर जब वो अकेले होंगी तो मेरे बारे में सोचेगी कौन है कैसा है। हाँ, अब तक तो न जाने कितनी लड़कियों ने मेरे नाम पढ़ लिए होंगे। इससे लड़कियां इम्प्रेस भी होती हैं, ये हर लड़का नहीं कर सकता है। और जहां एक बार नाम खो दिया तो वो कोई नहीं मिटा सकता है, और वो हमेशा हमेशा रहेगा। इससे अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो मेरे बाप का क्या जाता है। सही बोल रहा है। ये आपको दिख रहा है, देखिए इधर इधर, देखिए इधर इधर, यहां भी इधर भी, कितना लोगों ने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पे। अब मैं कोई शाहरुख खान तो हूं नहीं कि लोग आएंगे मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए, बस जी करता है खुद ही लिख देता हूँ। आजकल मॉन्यूमेंट्स पे इतने नाम लिखे होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, और उसमें भी मैं अपना नाम घुसा करके जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। एक बार सोचा किसी यूनिक जगह पे लिखना चाहिए, मगर ये इतना आसान काम नहीं है। तो दीवारों को फांद कर एक पतले रास्ते से मैं ऊपर पहुंचा। हाथ पैर यहाँ वहाँ मेरे सब छिल गए, और जब ऊपर पहुंचा तो देखता हूँ मुझसे पहले 50 लोगों ने ये काम कर दिया है। पहले के बादशाहों ने कितनी प्यारी प्यारी इमारतें बनाई हैं, लोग आते हैं जहाँ चाहते हैं वहाँ लिख जाते हैं। इनकी बिल्कुल ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लुक, इट्स आवर नेशनल हेरिटेज एंड सिंपली राइटिंग ऑन वॉल्स विल स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मैं चाहिए कि जिस तरह से हमने घर की दीवारों का केयर करते हैं उसी तरह से इन जगहों का भी केयर करें। बहुत तकलीफ होती है इन इमारतों पर इस तरह से लिखा हुआ देख के। तो क्या मेरा नाम लिखने से बदसूरत हो जाता है? तुगलकाबाद ये कितना खूबसूरत था, बीचों बीच रोड बना दिया, इससे क्या तुगलकाबाद की खूबसूरती पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत साफ मन से जाता हूँ, मैं किसी का काम बिगाड़ने कभी नहीं जाता। और क्या पता शायद हुमायूं को अच्छा लगे कि लोग उसके मज़ार पे आज भी फातिहा पढ़ने आते हैं। बस थोड़ा स्टाइल बदल गया है। नहीं, मैं हर जगह नहीं लिखता। अब जैसे तुगलकाबाद मैं वहाँ लिखता ही नहीं हूँ, अब क्यों पूछेंगी? तो बस ऐसी लगता है कि इतनी बड़ी जगह में मेरा नाम कहीं खो जाएगा और शायद मैं भी खो जाऊं। सुना है आजकल कॉफ़ी कैफे डे और बेरिस्टा में वो क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी लिखने के लिए एक अलग से दीवार बनाई गई है। आप मुझे देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं बेरिस्टा में जाकर के लिख सकूंगा कानूनी तौर पर? ये सब आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो जब बनाया था तो एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर की कवर पेज पर इसका फ़ोटो छपा था। तो जब रास्ते पर ये लोगों को अच्छा लग सकता है तो एक छोटा सा मेरा नाम लोगों को क्यों खटकता है? क्योंकि ये हाई कल्चर है ना, अगर हम लोग नहीं होते तो आपका ये हाई कल्चर भी नहीं होता।
यार, यहाँ भी मेरे पीछे पीछे। अरे एक मिनट तो अकेले छोड़ो। ये सब लोग बहुत लिखते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखता। ये अमित, आशा, प्रियांशु, क्या है, ये सब लिखते हैं। ये सब गलत है, लेकिन लोग क्यों लिखते हैं ये बात तो समझ में आती है। अंदर जो बातें होती हैं उसे निकलना तो है ही, चाहे जैसे भी हो। और वैसे भी मैं घर में ज़्यादा नहीं बोलता, मेरे ऐसे दोस्त भी नहीं हैं जिनके साथ में बातें कर सकूं। सब सिर्फ मस्ती के लिए होते हैं, खाओ पियो बस खिसक जाओ। How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. ये सब तो पता नहीं किस ज़बान में लिखा है, लेकिन कोई तो होगा जो ये सब लिख के गया है मेरी तरह। और यही सब तो है, दीवार, पत्थर, जो हमारी बातें सुनता है। जिसे देखो वही मेरे पीछे टूट पड़ रहे हैं। मैंने क्या कोई चोरी की है या कोई डाका डाला है? और ये जो आप लोग इतने बड़े बड़े कैमरा पीछे लेके पड़े हुए हैं, आपको ये सब नहीं दिखाई देता? हजारों हजारों पोस्टर रोजाना छपते हैं और दीवारों पे लगते हैं। ये सब भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे इस पोस्टर्स पे आप फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम है सुल्तान और काम हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। सारा पोस्टर छप के आता हमारे ऊपर होती है, हम यहाँ से 25-25 लड़का, 30-30 लड़का अपनी रिस्क पे लेके जाते हैं पोस्टर लगाने के लिए। 5-5 रिक्शे एक एक एरिया में नहीं, सारी एरियों में दौड़ा देते। फिर हम रात में उनकी चेकिंग करने पर रहते हैं कि कौन सा रिक्शा पुलिस ने उठा लिया, कौन सा रिक्शा बचा है, कौन सा चल रहा है, कहाँ तक चिपक गया, कि साले कहीं सो रहे हैं कि कहीं बैठे हुए हैं। मेरे पास में आज की डेट में ऐसी ऐसी पार्टियाँ, जैसे कि नेट्स वाला है, कंप्यूटराइज कोचिंग वाला है, इसके पास में ऑलरेडी 12 महीने का काम है। और भी इसी के साथ में छोटे मोटे काम और भी निकलते रहते हैं। दिक्कत ही दिक्कत है। अगर किसी गेट के सामने पहुँच रहे हैं तो कोई घर वाला जग रहा है तो वो कुत्ते की तरह धटका देता, अबे नहीं यहाँ नहीं पोस्टर लगाना, लग चल देते हो वहाँ से रातों को नींद हराम करने के लिए। अब देखिए, अब ऑलरेडी आप जग रहे हो, मैं तो पैसे के लिए, दो दो पैसे के लिए भटक रहा हूँ यहाँ पर। पर उस वक्त हमारी भी कोई इज्जत नहीं है, उसने अपने ही भिंडों से कुत्ते की तरह धुतकार दिया। पुलिस की वो धमकी देता तो हमको अपने आप में सिलेंडर होना पड़ता है। पुलिस पकड़ लेगी तो फिर सीधा तिहाड़ी भेजेगी, क्योंकि हम तो ऐसा काम ही कर रहे हैं। अब उसके मुँह लगेंगे तो हाथ पैर तोड़ देगा, उसके पास में पावर होता है। पोस्टर के ऊपर जो पोस्टर की माराधारी रहती, जो कि पोस्टर के बगल में वन बाई वन, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी, निर्दलीय वगैरह वगैरह आगे पीछे जो लगे हुए हैं, तो वो मारामारी आपको इलेक्शन के तौर तरीके भी देखने को मिलेगी। पिछले 5 साल बीजेपी ने जो है ना अपनी सरकार चलाई, उनकी भी सरकार में सारे पोस्टर लगते, उनको फुल सिक्योरिटी है। हाँ, उनकी पोस्टर की भी है और उनके आदमी जो पोस्टर लगा रहे हैं उनकी भी फुल सिक्योरिटी है, पर हमारे लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं। हम लोग अपनी जान पर रिस्क लेके काम करते हैं। इधर हमारा पोस्टर लगता हुआ जा रहा है, उधर से वो लोग फाड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। राज आर्ट फ्रॉम सलीम जदी, मेन रोड नियर बटलाव बस स्टॉप। हम 30 स्क्वायर फीट बोर्ड की पेंटिंग लेते हैं कंप्लीट। वॉल का चलता है 8, 10, 15 साइज के हिसाब से होता है। जैसे हम पेंटिंग काम करते हैं तो इस पेंटिंग काम में पहले तो ऐसा था कि हम जगह जगह काम कर लिया करते थे, अच्छी खासी आमदनी थी, कमाई थी।
और दो चार 10-20 लोग साथ में लग के काम भी करते थे। तो अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से काम बंद है, पेंडिंग काम नहीं हो पाता, तो इसलिए सब लोग बेरोज़गार भी, परेशान भी, परमिशन भी नहीं है, तो इस वजह से जो है बाहर काम नहीं हो पाता। जैसे लोकल टीमें अपने लोकल एरिया में काम करते हैं हम, तो उसमें पुलिस वाले प्रॉब्लम करते हैं, परेशानी करते हैं, अगर किसी पकड़ लेते हैं तो ले जाते हैं अंदर, ठीक है, चौकी में, उसके बाद वो उसको 100-200 रुपये दे के छोड़ देते हैं बंदे को, ठीक है ना। अब वो तो देने की कंडीशन में नहीं होता, लेकिन कुछ माल रोक लेते हैं वो अपने पास ही, पुलिस वाले रोक पेंट भी रख लेते हैं, बैनर भी रख लेते हैं, जो भी काम होता है मतलब उनके हाथ लगना चाहिए, पकड़ लेते हैं। और अगर जैसे चालान वालान कराना होता है तो उसमें बड़ा लंबा चक्कर हो जाता है, फिर 2-3 दिन ख़राब हो जाता है, वकील करना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि 100-200 रुपये पुलिस वाले दे के अपना फ्री हो जाते हैं, बाकी उसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं, जितनी लंबी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी पकड़ने में।